तो आप देख सकते हैं बीजेपी छोड़कर जो है काफी सारे जो लोग हैं वो कांग्रेस में शामिल हो गए। और आप देख सकते हैं करनाल लोकसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी दिव्यांशु बुद्धि राजा यहाँ पर मौजूद है और उनके गले में कांग्रेस का पटका पहनाकर उन्हें पार्टी में शामिल इनकी ओर से कराया जा रहा है। और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को ये तगड़ा और बड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि ये ज्वाइनिंग जो है पिछले 6-7 दिन से लगातार चल रही है। राजनीतिक आदमी जब फैसले लेता है वो जन भावनाओं के मुताबिक लेता है। आज लोगों की भावना कांग्रेस के प्रति है, इसीलिए लगातार जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कांग्रेस की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं। आपने देखा कि कल भी पानीपत से पूर्व विधायिका रही बीजेपी से रोहिता रेवड़ी जी, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। परसों हमारे यहाँ से डिप्टी मेयर रहे मनोज वधवा जी, उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। परसों दीपेंद्र हुड्डा जी की अगुवाई में पूरे लोकसभा क्षेत्र के सरपंच एसोसिएशन ने खुला समर्थन कांग्रेस को दिया। कुछ दिन पहले निर्दलीय विधायक रहे धर्मपाल गोंदर जी, उन्होंने बीजेपी से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को दिया है। कल देखा आपने 14 जिला परिषद सदस्यों ने कांग्रेस को समर्थन दिया। ये लहर चल रही है, मैं बता रहा हूँ, ये चुनाव जो है अब इस रफ्तार को पकड़ चुका है कि ना तो ये चुनाव अब कांग्रेस बनाम बीजेपी का है, ना ये चुनाव दिव्यांशु बुद्धिराजा बनाम मनोहर लाल जी का है, अब तो ये चुनाव करनाल और पानीपत की जनता बनाम मनोहर लाल जी का ये चुनाव बन चुका है। करनाल होने वाली, अब इस पर बारे में तो मैं क्या ही कहूँ। मुझे लगता है कि सीएडी रिपोर्ट जो हरियाणा के सेक्रेटरीट तक सीमित थी वो मुझे लगता है कि उनके पास भी पहुँच गई है। और 17 तारीख की मुझे सुनने में आ रहा था कि रैली हुई है, मुझे लगता है कि बीजेपी ने कोई स्ट्रेटेजी चेंज की होगी, क्योंकि खट्टर साहब जो बार बार ये बात कह रहे थे कि मैं तो गाँव में वोट मांगने भी नहीं जाऊँगा, मैं तो वोट मांगूंगा ही नहीं, लेकिन आज डोर टू डोर करना पड़ रहा है। और मैं तो लगातार देख रहा हूं, जो ये कहते थे कि मैं पूरे हरियाणा के दौरे करूंगा, करनाल से बाहर नहीं निकल रहे, तो आज लोगों ने मन बना लिया है और बीजेपी की रैली कैंसिल हुई है। मुझे लगता है इसका जवाब तो बीजेपी के पदाधिकारी आपको दे सकते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो है उनकी आपस की गुटबाजी, कहीं ना कहीं कांग्रेस में फर्क नहीं आया? कोई गुटबाजी नहीं है, ये मीडिया का गलत नैरेटिव सेट किया हुआ है। कांग्रेस की कोई गुटबाजी नहीं है, हमारे सारे सीनियर लीडर्स एकजुट हैं और सभी मजबूती से कांग्रेस के लिए अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि 17 तारीख को, क्योंकि हुड्डा साहब भी करनाल के अंदर आ रहे हैं, लोकसभा क्षेत्र के कार्यक्रम भी हैं, विधानसभा के भी कार्यक्रम हैं, तो सभी नेता एकजुट हैं और सभी मजबूती से पार्टी में प्रधानमंत्री रैली करेंगे। हाँ जी, गोहाना में प्रधानमंत्री, वो तो लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहीं भी रैली कर सकते हैं। पर मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर जब नतीजे आएंगे, क्योंकि जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि सबसे हैरानजनक नतीजे करनाल की सीट से आएंगे। करनाल भी आएंगे, बड़े नेता भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, बातचीत चल रही है, एक बार उनका समय निर्धारित हो जाए, तिथि निर्धारित हो जाए, फिर आपको बताया जाएगा। सिर्फ युवाओं के लिए नहीं, मुझे लगता है कि हरियाणा में बेरोजगारी समस्या जरूर है, लेकिन वो हर घर से जुड़ी हुई समस्या है। समस्याएं और भी बहुत हैं, समस्याएं ग्रामीण अंचल में एमएसपी की भी है, समस्याएं शहरी शहर में पोर्टल व्यवस्था की भी है, समस्या परिवार पहचान पत्र की भी है, समस्या प्रॉपर्टी आईडी की भी है, समस्या जो इन्होंने एक झूठा जो है गुब्बारा बना रखा है कि हम लोग स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, इतना पैसा खर्च कर दिया, उसकी भी है। आज जो है समाज का हर वर्ग इस सरकार से त्रस्त है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि समाज के जिन वर्गों को इन्होंने समय समय पर प्रताड़ित किया है, आज वो लोग चुनाव लड़ रहे हैं। उन लोगों ने 10 साल का सरकार देख ली, अब उनके मन में है कि अब और नहीं सहेंगे और इस बार वोट की चोट से इस सरकार को फाड़ कर रखेंगे। तो 5 प्रमुख मुद्दे क्या रहने वाले हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज जो मुझे मैं अपने लिए सोचता हूं कि मुझे ये करवानी चाहिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले बेरोजगारी की समस्या से निजात दिलाने की जरूरत है। 2014 तक हरियाणा के अंदर इतना बेरोजगारी नहीं थी जितना इस 10 सालों में बढ़ गई, तो कहीं ना कहीं 37.5% की जो बेरोजगारी है वो सिर्फ सरकारी रोजगार 2 लाख खाली पड़े हैं उससे नहीं होगा। आपको इस इलाके के अंदर बाहर से निवेश लेके आना पड़ेगा। हमारा इलाका NCR जोन में आता है, नियर कैपिटल रीजन में आता है, हमारी जो ज्योग्राफिकल पोजीशन है वो कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज़ के लिए और बड़ी इन्वेस्टमेंट्स के लिए बड़ी सुटेबल है, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, उसके लिए बातचीत करने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि बाहर से अगर निवेश आएगा तो यहाँ के स्थानीय जो हमारे नौजवान हैं उनको रोज़गार मिलेगा, और अगर एक घर में रोज़गार जाता है तो उस घर में खर्चा चलता है, उस घर में बड़े बुजुर्गों की जो है दवा का इंतज़ाम होता है, छोटों की पढ़ाई का इंतज़ाम होता है। तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी सबसे पहला रहेगा। दूसरा, मुझे लगता है ग्रामीण अंचल में आज लोगों की ये मांग है, क्योंकि किसान जो वर्ग है वो आज ये मांग कर रहा है कि हमें MSP गारंटी कानून चाहिए, और कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर ये ऐलान कर रखा है कि हम आएंगे तो MSP गारंटी कानून देंगे।
कांग्रेस पार्टी ने ये भी ऐलान किया इस बार महिलाओं के लिए, खास तौर पे पहली बार कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा ऐलान किया है कि महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सीधा उनके खाते में सालाना डलवाने का काम करेंगे। शहरी में अगर क्षेत्रों की बात करूँ तो शहर में आज प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी और जो शहर की स्वच्छता है और कानून व्यवस्था बहुत बड़े इशूज़ है, करप्शन बहुत बड़ा इशू है। सीएम सिटी के अंदर अगर कोई आम आदमी सेक्रेटरीट में या निगम में काम कराने जाए और वो 15-20 हज़ार रुपये की जेब कटवा के आ रहा है तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती। तो मुझे लगता है इन सारे मुद्दों को और एक कहीं ना कहीं, क्योंकि लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में से समस्या निकल के आती है और जनता ही उनका निवारण बताती है। एक टोल की समस्या बहुत बड़ी है क्योंकि करनाल और पानीपत जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है चारों तरफ से टोल ने घेरा हुआ है, तो मुझे लगता है इस समस्या का भी निजात कराने की जरूरत है, तो ये भी मेरी प्रायोरिटी रहेगी। आखिरी सवाल है सर, रोड समाज वादा किया था टोल के लिए लेकिन सक्सेस नहीं हुआ, तो जीतने के बाद आप वैसे भी पब्लिक में नजर आएंगे? बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, मैं पिछले 12 साल से ऐसे ही हूँ और बीजेपी सांसद ने वादा किया था तभी तो आज नहीं है लोगों के बीच में। खट्टर साहब जो कह रहे थे रोड समाज ने समर्थन दे दिया बीजेपी को क्योंकि हिम्मत सिंह को बना दिया चेयरमैन, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी का, वैसे तो ये अपॉइंटमेंट ही गलत हुई है। अगर संवैधानिक तौर पे देखा जाए तो चुनाव के दौरान इस प्रकार की अपॉइंटमेंट नहीं हो सकती, इसको लेकर हमने कंप्लेंट भी दी है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग 36 बिरादरी सभी समाज के लोगों को साथ को लेकर चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक खेला बीजेपी ने, ऐसा कोई मास्टर स्ट्रोक वाली बात नहीं है। आप जाके देखिए, मैं भी उसी बार में गया था जहां पर वो लड्डू बंटवाने की कोशिश कर रहे हैं, बार के अंदर जो उत्साह वकीलों के अंदर आज था आपने देखा होगा, मुझे लगता है ऐसा उत्साह कभी भी बार में नहीं रहा, लोगों ने मन बना लिया है। आप छोड़ दें सारी बातें, कोई नैरेटिव सेट नहीं होगा, आज ज्वाइनिंग हमारे काफ़ी साथी हैं उनकी आज ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के दौरान आपको एक एक का नाम बताया जाएगा। धन्यवाद।